स्मरण रखिएगा नीमच वालों, दूसरों का पोस्टमार्टम करना आसान होता है, दूसरों का आकलन हम जल्दी करते हैं, दूसरों के लिए जज हम जल्दी बनते हैं और अपने बारे में बहुत जल्दी वकील बनते हैं। दूसरों का आकलन आप क्या करोगे? अपना आकलन, स्वयं का निरीक्षण, आत्म निरीक्षण देखना चाहिए। मेरे चित्त की दशा क्या है, मेरा अंतर, मेरा भीतर कैसा? और मैं कहूं देवियों एक हफ्ता शीशा मत देखना, आप कहोगे दीदी माँ हमारा गुजारा नहीं होता, हम तो पर्स में ही डाल के चलती हैं शीशा, लोगों की नजरें बचा के झांक लेती हैं, चेहरा वेरा सब ठीक ठाक है। अरे क्या जरूरत है, तुम एक हफ्ता शीशा ना देखो, अपनी बहू से पूछो बिंदी ठिकाने पे लगी है कि नहीं। तुम कहती हो नहीं दीदी माँ, बहू बड़ी चतुरी है, वो चापलूसी में गलत भी बयानबाजी कर सकती है, इसलिए मुझे बहू पे भरोसा नहीं है, मुझे तो दर्पण पे भरोसा है, दर्पण ही मेरे सच का मुझे परिचय कराता है। और अगर चेहरा देखने के लिए दर्पण चाहिए तो मन को देखने के लिए भी तो कोई दर्पण चाहिए, राम कथा वो दर्पण है जो चित्त का दर्शन कराती है।